यार काय का बॉस है यार, काय का बॉस एक काम नहीं करता है, वो सब काम मैं ही करता हूँ, सबका सब काम। उसके घर का सब्जी भी मैं ला के दूँ क्या यार? मैं बोल दिया उसको डायरेक्टली, ओके सीधा बोल दिया, मतलब ऐसा इनडायरेक्टली उसको बता दिया कि ये नहीं चलेगा बॉस। लाइक उसने उस दिन बोला 7 बजे तक पीपीटी दे, 7:10 को दिया, मैसेज भेज दिया मैंने उसको, कोई काम नहीं करता यार। उसका एक्सेल शीट भी मैं ही बनाऊ, वीलुकअप नहीं आता उसको, वीलुकअप मेरे ऊपर दिखता है, कौन करता है ऐसा? छोड़ रहा हूं यार, मैं बोल दूंगा उसको डायरेक्टली एक और बार कि ये सब बॉस नहीं चलेगा। ईमेल कर दूंगा मैं उसको, डियर बॉस दिस वोंट डू, रिगार्ड्स योर एक्स एम्प्लॉय, मे बी, बता दूंगा। पिछला हफ्ता ही देख ले, शाम के 7 बजे, फ्राइडे के दिन 7 बजे बुलाते हैं, राहुल देयर इज दिस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, वी हैव टू कंप्लीट इट बाय टुमारो। फ्राइडे शाम को 7 बजे आता है इधर को, तब तक क्या कर रहा था? गोटी खेल रहा था। मैंने सीधा बोल दिया बॉस, बॉस आई एम एन एम्प्लॉय, आई एम नॉट अ स्लेव, आई ऑल्सो हैव फैमिली। रोने लगा राहुल, बट यू आर द ओनली वन हू कैन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, हू एल्स कैन फाइंड पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, ऐसा बोलने लगा। मैं पिघला नहीं किया तूने फिर, मतलब कर दिया, मतलब कुछ ऐसे फिनिश, ऐसे महाराष्ट्र का इतने आंध्र में लोग ही नहीं रहते, कर दिया मैं। बट आई गेव यू मैसेज, छुट्टी मांगो ना, पागल हो जाते यार। सिर्फ छुट्टी नहीं, उसका किडनी मांगा है मैंने, कुछ भी बोलने लगता है। लास्ट मंथ ओनली यू टुक 10 डेज का लीव, अबे वो इमरजेंसी था यार, कजन का थ्रेड सर्मनी आ गया यार, सोच के थोड़ी आता ये, और उसने भी तो लिया था, उसकी मम्मी आईसीयू में थी तभी, उसका क्या? बोल दिया मैंने क्लियरली, बॉस आइदर यू गिव मी लीव और आई विल लीव दिस कंपनी। डर गया, छोड़ रहे है क्या? नहीं छोड़ नहीं रहे, वो डर गया वो, फिर लाइक अरे इट्स अप टू यू, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन, ऐसा डर के बोल रहा था। तो मैंने बोला ठीक है बॉस, ये बार कजिन को बोल रहा हूँ, अगली बार से नहीं। मैसेज दे दिया मैंने उसको सीधा। देख जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम आता है ना, तब उसको मेरा वैल्यू समझते हैं। अभी पिछला मंथ वो सपना हो, उसका फेयरवेल था, तब आया मेरे पास कि राहुल प्लीज यू ओनली कैन बाय केक, यू ओनली कैन डू डेकोरेशन, सब मेरे पे डिपेंडेंट, मुझे ही पता है ये सब कहां से क्या करना है। उनको नहीं पता, एमबीए करके बैठे वो लोग, प्रकाश और वो विद्या सर, उनको नहीं पता। मेरे पास आया, सब कर दिया मैंने एक के बाद एक, सब प्लान। अब साला प्रमोशन नहीं दिया ना, तो आई विल टेल हिम क्लियरली। क्या फालतू कंपनी है यार, कुछ विजन ही नहीं है यार। अभी बैठे अंदर सब, नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या करना है? अरे नेक्स्ट 5 इयर्स का छोड़ यार, अब क्या करना है वो सोचो ना यार। कुछ नहीं होने वाला है यार ये कंपनी का, बस सिर्फ शर्ट और टाई पहन के आना है यहाँ पर लोगों को। तू छोड़ रहा है क्या? छोड़ नहीं रहा हूँ यार, अपने को ही तो चेंज लाना पड़ेगा ना यार, कंपनी मतलब अपन नहीं है तो क्या है ये। छोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैसेज दे दूंगा बॉस, इसको समझना चाहिए। अपन ये कॉन्फ्रेंस में क्यों आते यार, क्या है ये? फ्री का दारू, फ्री का खाना, एक कॉमेडी शो, क्या इसके लिए ज्वाइन किया क्या मैं? ये लग्जरीज चाहिए क्या मेरे को लाइफ में? जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए क्या मुझे? तू नहीं पी रहा? पी रहा हूं क्योंकि यार एचआर ने ऑलरेडी पैसा डाल दिया है ना यार, कॉस्ट का किसी को तो सोचना पड़ेगा ना, ये बॉस वाले लोग को इनको तो कुछ पता नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ यार, थोड़ा थोड़ा करके मेरे को लग रहा है कि चेंज कर दूंगा, बट समझाऊंगा उसको, बॉस को ऐसा नहीं चलेगा, इट्स हाई टाइम। तेरे को पता है क्या, रोहित को है ना प्रमोशन मिलने वाला है ये टाइम, देख ले गारंटी। तेरे को कैसे पता? पता है रे मेरे को सबको, इसको सब पता है इनका कैसा चलता है ये सब। तेरे को क्या लगता है वो लास्ट ईयर मार्केटिंग का प्रोजेक्ट क्यों दिया रोहित को? क्योंकि वो मार्केटिंग में है। अरे वो सब बहाना है रे, वो थोड़ी है। सच में क्यों दिया पता है तेरे को? क्योंकि है ना, है रे रीजन, दे रहे मैं तेरे को बता रहा हूँ आराम से, सब पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स। इनको लगता है अपने को समझ में नहीं आता कुछ, लेकिन अपन स्मार्ट है रे। ऐसे थोड़ी TDS से बचते हैं। और ये जो प्रिया है ना, न्यू ज्वाइनिंग, काफी ऊपर तक जाएगी वो, देख ले उसके पास है ना वो सब, जो समझ रहा है ना तू, लाइक राइट काइंड ऑफ एथिक्स, एम्बिशन,
तो कुछ डबल मीनिंग बोल रहे है क्या? क्या डबल मीनिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट तू समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देख लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू ना, वाटर कूलर नया आया लगता है। सुप्रिया इट्स गुड यू ज्वाइन दिस कंपनी एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, एंड सच ग्रेट क्रेडेंशियल्स यू हैव एंड यू डन रियली वेल। जस्ट लेट मी वॉर्न यू, देयर आर पीपल नो योर इन कॉर्पोरेट लाइफ, पीपल विल टॉक बिहाइंड योर बैक्स एंड स्टफ, डोंट लिसन टू देम, ओके? दे आर ऑल जेलस, दे कांट स्टैंड अ वुमन डूइंग वेल। आई एम नॉट लाइक दैट, ओके? आई एम वेरी क्लियर, मेरिट कम्स अबाउट एवरीथिंग। If you have any doubts or anything about the company, feel free, anytime. Of course. Yeah. Consider me as a elder brother. No, like a father. Consider me as a friend. Okay. Nice talking to you. Nice talking. वैसे प्रिया, I've been working in this company for the last 10 years. I started when this company was nothing, you know. We built it from scratch. Wow. The whole operation setup? Hmm? I did. Oh, I thought Vikram was also... Vikram headed it. I mean, we co-conceptualized. Okay. We did it together. Okay. I gave him a lot of ideas. I'm not someone who runs after credit, no. So, I like my job. That's why I'm here, you know. Of coffee? No thanks. Okay. Even I don't. वैसे तू ये टैक्सी वैक्सी का जो बिल रखता है ना? नहीं। अबे रखा कर भाई और क्लेम कर, ये सब करना चाहिए बाबा थोड़ा सा। वैसे नहीं है तू भी ऐसा, तू जा वो कोई भी टैक्सी वाले के पास, ऐसे बना सकते है तू बिल, उनको बोल ऐसे सब महीने का बना के रख 10-12 मिनिमम, पैसा बचाने का भाई लाइफ में। अबे कैसा चला था भाई ये रॉन्ग लेन से यार, यही लोग ना आगे जाके करप्शन करते। मैं ऐसे नहीं है, क्लीन है। वैसे मैंने डिसाइड कर लिया कल से ऑफिस पहुंचूंगा और पहला 1 घंटा जिम करूंगा काम के पहले। फालतू का फैसिलिटीज है तो यूज तो कर लो यार ऑफिस का। हाँ, और बॉस को मैं क्लियर बोल देगा भाई, अगर यू वॉन्ट मी टू वर्क टिल लेट देन माई फिटनेस इज इम्पोर्टेंट बॉस, चाहिए तो देन द डील वर्क्स, नहीं तो नहीं। मुझे नहीं बनना यार फिटनेस नहीं लूज करना ये पागलगिरी काम के इसमें। मैं बैडमिंटन खेलता था पता है, रोज खेलता था 8th standard 9th standard सब, जीता है मैं कॉम्पिटिशन, मेरे को नहीं लूज करना है ये जॉब के। हेल्थ इज इम्पोर्टेंट भाई। कल से जिम जा रहा है क्या? कल नहीं होगा यार, वो कुछ थोड़ा सा काम है प्रोजेक्ट का, ये हफ्ता थोड़ा टाइट है बट नेक्स्ट मंथ से चला जाऊंगा, बता दूंगा बॉस को भी क्लियरली। हाई टाइम है, समझना है उसको।